अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी और शेयर करूंगी सीख कबाब की रेसिपी कि आप घर पर किस तरह मज़ेदार से सीख कबाब रेडी कर सकते हैं। साथ में शेयर करूंगी होममेड भलियों की रेसिपी, तो व्लॉग आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बनाए थे शामी कबाब और चिकन के कटलेट्स भी मैंने बनाए थे। तो जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए थे ना, तो मैंने इनको जिप लॉक बैग में डाल के तो अगेन से किया फ्रीज़। और यहाँ पर ना ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स वॉश किए थे, क्योंकि आज का जो डे था ना वो मेरा क्लिनिंग डे भी था। किचन को भी क्लीन करना था और साथ में जो फ्लावर्स वगैरह हैं और जो भी दूसरी चीज़ें उनको भी क्लीन करना था। तो जब ये ड्राई हो गए ना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये ड्राई हो गए हैं तो आप इनको लगा दें। यहाँ से स्टार्ट होती है क्लीनिंग की वीडियो, किचन की क्लीनिंग। तो आप ये ग्रीस चेक करें। अच्छा, किचन को जितना मर्ज़ी भी आप क्लीन करते रहें ना, लेकिन फिर भी एट सम पॉइंट किचन हमेशा डर्टी ही रहता है, छींटे उठती रहती हैं ऑयल की। इसको मैं हर वीक क्लीन करती हूँ, लेकिन जब भी क्लीन करती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कभी इनको क्लीन किया ही नहीं है, वॉल्स को। तो आज मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा विनेगर डाला, और जो डिश वॉशर है ना उसके अंदर थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला और थोड़ा सा ना बेकिंग पाउडर डाल के, तो अच्छी तरह से मैंने ये वॉल्स भी क्लीन की और ये किचन कैबिनेट्स थे इनको भी मैंने क्लीन किया। क्योंकि आपको पता है रमदान आ रहा है ना, तो रमदान में क्लीनिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, तो ये सारी क्लीनिंग आज मैंने ज़रूरी करनी थी। किचन कैबिनेट्स की ना आज मैंने शीट भी चेंज करनी थी, और ये देखें मैंने शीट चेंज की है, और ये वही शीट है जो हमने अपने डाइनिंग टेबल पर डाली हुई थी ना, ये वो शीट है। हम लोग न्यू ले आए हैं डाइनिंग टेबल के लिए, तो जो ओल्ड वन है ना उसको मैंने कटिंग करके तो कैबिनेट्स में डाल दिया है। किचन के सारे कैबिनेट्स में मैंने ये शीट डाल दी है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर क्लीन हो रही है फ्रिज, और फ्रिज की भी आज मैंने इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है कि ये इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी ना। किचन की और फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो गई है। नाउ बैक टू आवर रेसिपी। आज की रेसिपी है कोफ्ते की। तो कोफ्ते के लिए हमने लिया है बीफ का मीट, और इसकी क्वांटिटी है 1/2 kg। ये विद फैट हमने यूज़ किया है, तो आप चाहें तो विदाउट फैट भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 kg कीमे में हम लोग यूज़ करेंगे 3 onions, मीडियम टू लार्ज साइज़ अनियन भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 full garlic यूज़ होगा, और 1 टुकड़ा जिंजर का, और ग्रीन चिलीज़ की जो क्वांटिटी है वो आई थिंक 7 to 8 है। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ना, इसलिए इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस लेवल। इन सब को ना चॉपर में डाल के तो हमने फाइनली चॉप करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों के ना छोटे छोटे से पीसेस चाहिए, इस वजह से हम इन सब को एक साथ चॉप कर लेंगे। ये आप चेक करें कि कितनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अनियन भी अच्छी तरह से चॉप हो गया है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ भी ना बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे अपने कीमे में। और आज ना आपने मेरी वॉइस इग्नोर करनी है, क्योंकि आज यहाँ पर ना थोड़ी सी हुई है बारिश। मैं छत पर गई थी बारिश इन्जॉय करने, तो वहाँ पर जब मेरे ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स गिरे हैं ना, तो मुझे ऐसे जैसे थोड़ा सा ना फ्लू हो गया, तो प्लीज़ आपने मेरी वॉइस को इग्नोर करना है। यहाँ पर ना हम बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब रोस्ट करेंगे ना बेसन को, तो इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी चीज़ों के अंदर से नहीं आती। अगर एज़ इट इज़ आप बेसन को यूज़ करेंगे तो चीज़ों के अंदर थोड़ी सी इसकी स्मेल आएगी। अच्छा, यहाँ पर स्पाइसेस जो यूज़ होंगे ना वो है सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon ब्लैक पेपर एंड 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, और 2 tablespoon भर के ना यूज़ करेंगे बेसन के।
सारे स्पाइसेस को और बेसन को कीमे के अंदर डाल के तो हमने अच्छी तरह से मैश्ड करना है कि ये सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं और कीमे के अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं। उसके बाद हमने बॉल्स बना लेने हैं। तो जो इनका साइज़ है ना ये कोफ्तों का, तो ये आपने हो डिसाइड करना है। अगर आपको छोटे बॉल्स पसंद है तो आप छोटे बॉल्स बना लें, अगर आपको मीडियम साइज़ के अच्छे लगते हैं तो आप मीडियम साइज़ के बना लें। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जो साइज़ अच्छा लगता है ना आप वो साइज़ इसका क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बीफ कोफ्ते रेडी हो गए हैं और ये हाफ़ केजी में ना इतने ज़्यादा कोफ्ते रेडी हुए हैं, तो दो दफ़ा ये बन सकते हैं, चाहे आप ग्रेवी में बना लें चाहे आप राइस में बना लें। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है सीख कबाब की, जिसके लिए हमने बीफ का कीमा लिया है और इसकी क्वांटिटी है हाफ केजी। 3 small to medium size onions यूज़ होंगे और onions को चॉपर में डाल के चॉप करके ना तो हमने इनका सारा पानी हैंड की हेल्प से निकाल लेना है, प्रेस करना है और सारा पानी हमने निकाल लेना है। ये देखें 3 onions में से कितना ज़्यादा पानी निकला है। अगर तो हम पानी वाले onions यूज़ करेंगे ना तो हमारे सीख कबाब ख़राब हो जाएंगे, जब फ्राई करने लगेंगे या ग्रिल करने लगेंगे ना तो वो टूट जाएंगे। यहाँ पर ना मैंने 1 full garlic, थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा और 7 to 8 green chilies यूज़ की थी और इनको चॉप किया था, लेकिन ये सारा मटेरियल मैंने यूज़ नहीं था किया क्योंकि जब मैं इसको पॉट में निकाल रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो ये कुछ मैंने सेव कर लिया था और सिर्फ 2 tablespoon ही मैंने यूज़ किए थे। स्पाइसेस जो इसके अंदर यूज़ होंगे ना वो है सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स, 1 teaspoon पाउडर फेनल सीड्स, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon गरम मसाला और हमने 1 teaspoon अजवाइन भी यूज़ की है और थोड़ा सा यूज़ किया है सीख कबाब मसाला। तो आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का सीख कबाब मसाला यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि बीफ का कीमा फुली ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अनियंस जो आपने चॉप किए हैं वो भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इसी तरह जिंजर गार्लिक भी ड्राई होने चाहिए। इसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके ना तो इसको अच्छी तरह से मैश्ड करेंगे और ये सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे कि ये सारे स्पाइसेस बीफ के अंदर ना अच्छी तरह से फुली एडजस्ट हो जाएँ। थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ करेंगे 2 tablespoon, हैंड को ग्रीस करेंगे वाटर के साथ क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बीफ में। तो इसके बाद मेरे पास ये स्कीवर्स पड़े हुए थे, अगर आपके पास स्कीवर्स ना हो तो कोई भी आपके पास राउंड शेप में अगर कोई आपके पास स्पून है ना तो उसके ऊपर आप इसको रैप करके तो फिंगर्स की हेल्प से इनको प्रेस करके तो जौन सी भी शेप आपको अच्छी लगे ना या जौन सी भी आपको आती हो आप वो इसकी बना सकते हैं। यहाँ पर ना हमारा एक सीख कबाब बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था और हमें चाहिए थे नॉर्मल साइज़ के, नॉर्मल तो नहीं थोड़े मिनी साइज़ के चाहिए थे। तो हम लोगों ने ना वो उसको फिर दोबारा से रिक्रिएट किया और इसका साइज़ चेंज किया। तो आप ना अगर आपको जौन से भी साइज़ अच्छे लगते हैं आप इनके वो बना सकते हैं, थोड़े मीडियम बनाने हैं, स्मॉल बनाने हैं, मिनी बनाने हैं, जौन से भी आपको अच्छे लगे ना तो वो आप इनके बना सकते हैं। क्योंकि पैन में ना अगर ज़्यादा बड़े बना लो तो पैन में ग्रिल करने में थोड़ा मसला होता है, तो इस वजह से हमने इनका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा छोटा रखा है। यहाँ पर ना बीफ सीख कबाब रेडी हो गए हैं और ये हाफ के जी में ना इतने ज़्यादा रेडी हुए थे, बल्कि इनमें से 5 to 6 तो मैंने फ्राई भी किए थे क्योंकि अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई ना। ऐसे नहीं करो।
हम लोग जब सीख कबाब बना रहे थे ना, तो एकदम से हमें ऐसे फील हुआ जैसे बारिश हो रही है, तो विंडोज़ से देखा तो वाकई बारिश हो रही थी, हार्डली 15 मिनट्स के लिए हुई है। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी और जो लास्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है भलियों की। वैसे तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आई होप कि सबको आती भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने 1/2 kg बेसन लिया है और इसमें ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon क्यूमिन सीड्स और 1 tablespoon भर के ना इसमें हमने यूज़ किया है अजवाइन, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा भलियों का। उसके बाद ये टूल हमारे पास है, तो इस टूल के अंदर डाल के तो हमने इसको डीप फ्राई किया। आपने ना बेसन को थोड़ा सा हार्ड रखना है, क्योंकि अगर हार्ड रखेंगे बेसन को तो आपकी भलियां सॉफ़्ट रेडी होंगी। अगर तो आपका बेसन थोड़ा सा सॉफ़्ट होगा तो आपकी भलियां बहुत ज़्यादा हार्ड रेडी होंगी। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी भलियां रेडी हो गई हैं और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी रेडी हुई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं फिंगर से इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये कितनी सॉफ़्ट है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी भी एज़ इट इज़ सॉफ़्ट बनेंगी। किचन के और बाकी सारे काम फिनिश करने के बाद ना हमने अपने डाइनिंग टेबल की शीट चेंज की, क्योंकि काफ़ी डेज से ना हम लोगों ने इसकी शीट रिमूव की हुई थी। तो आज अब हम लोगों की सारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, कुछ 2-3 रहती हैं लेकिन वो साथ साथ मैं आपके साथ अपलोड करती रहूँगी। तो उसके बाद हमने ना ये शीट चेंज की और ये मैं ना सेंटर मैट्स लेकर आई थी, मुझे बड़े अच्छे लगे थे तो मैं इनको लेकर आई। इस शीट के ऊपर ना हमने ट्रांसपेरेंट शीट भी डाली है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट शीट डाली हो ना तो जो नीचे वाली शीट है और जो मैट्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होते। तो इसलिए आप भी इनको ज़रूर डाला करें जो ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट होती है, इससे आपका टेबल बिल्कुल क्लीन रहेगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आज की जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।